लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स या इच्छा पूर्ति के नियम की वीडियो सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स का जो पहला रूल है वो कहता है, राइट डिजायर लीड्स अस टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सही इच्छाएं मुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है। अब लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स का जो दूसरा रूल है वो ये कहता है दैट द डिजायर्स टेकन टू सबकॉन्शियस माइंड बिकम पैशन। यानी इच्छाएं जब मेरे अवचेतन मन में जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो जुनून बन जाती हैं। तो अब हम अगला जो कदम आता है वो आता है अपने मन को समझना। और जब मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी से, अगर हम अपने हिस्ट्री से अगर हम कोई प्रतीक चुनना चाहें, तो मुझे लगा कि भगवान गणेश का जो प्रतीक है, उनके जो रूप है, उनके पीछे की जो कथाएं हैं, वो हमें अपने माइंड को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। और दूसरा मुझे ये भी लगा कि गणेश के जो कथाएं हैं, उनका जो रूप है, उनके जो प्रतीक हैं, उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का बच्चा जब लॉजिकल माइंड से सोचता है और जब वो देखता है कि वो जो प्रतीक है उसमें कोई रियलिटी होने की संभावना नजर नहीं आती है, तो अब वो डाउट करना शुरू करता है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में हम दोनों चीजों को कर सकते हैं। भगवान गणेश के जो प्रतीक हैं, उनका रूप, उनके जन्म की कथाएं, उन सब के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और भगवान गणेश एक प्रतीक मुझे लगते हैं अपने माइंड के, अपने कॉन्शियस माइंड के। तो आए आज हम इस वीडियो में अपने कॉन्शियस माइंड को समझते चलेंगे और साथ साथ मेरी नजर से जो नजर आता है गणेश का रूप, गणेश के रूप के प्रति, प्रतीकों के प्रति मनोवैज्ञानिक सत्य, वो मैं आपके सामने खोलता हुआ चलता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड 30 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एट कॉन्कर द सक्सेस वी आर कमिटेड टू टेक यू टू न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस, हेल्थ, कॉर्डियल रिलेशंस एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस थ्रू अ 7 डायमेंशनल अप्रोच दैट इंक्लूड्स ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी and meditation. So stay connected. लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स का जो सबसे पहला नियम है या जो सबसे पहला रूल है, राइट डिजायर्स लीड्स अस टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सही इच्छाएं मुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। हमने पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स के बारे में पूरा बात किया है। पहला जो नियम है, सही इच्छाएं सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। तो सही इच्छाएं क्या हैं, गलत इच्छाएं क्या हैं, इसको हमने समझा। इच्छा और कामना में क्या भेद है, इसको हमने जाना। सुख और आनंद में क्या अंतर है, इसको हमने जाना। अब अगला जो रूल आता है वो कहता है दैट द डिजायर्स टेकन टू सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स अवर पैशन। जो इच्छाएं मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वो मेरा जुनून बनती है। राइट, तो आए अब हम मन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम मन को समझ जाएंगे, उसके टेक्निक को समझेंगे, उसके बेसिक बिहेवियर को समझेंगे, बेसिक नेचर को समझेंगे, तब फिर हम ये आसानी से जान पाएंगे कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जा सकते हैं। राइट, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि मैंने जो प्रतीक चुना है वो मैंने भगवान गणेश का चुना है। क्योंकि गणेश मुझे लगता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ही वो दर्शाते हैं। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, पहले माइंड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा माइंड सोचने का काम करता है, विचार करने का काम करता है, भावनाएं भी उसके अंदर हैं। तो हम पहले माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बड़े से ट्राइंगल को इमेजिन करें अपने मन में, और ऊपर का जो 5% माइंड है, 5% जो छोटा सा ट्राइंगल है, जैसे हम टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं, वो मेरा कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, डिसीजंस लेता है, ये थिंकिंग फैकल्टी है। और जो भी मेरे आसपास घटनाएं घट रही हैं, जो मेरे सेंस ऑर्गन्स देखते हैं, आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, सारी इंद्रियों से, सारे सेंस ऑर्गन से जो डेटा है, वो सब वो पहले कॉन्शियस माइंड में ही जाता है। और इसके बाद अगर मुझे लगता है लॉजिकली कि वो डेटा मेरे लिए ठीक है,
तो ही मैं उसको अलाउ करता हूं या मेरा कॉन्शियस माइंड अलाउ करता है उस डेटा को सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। और जब वो मेरा डेटा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो मेरी मेमोरी बनता है, मेरे एक्सपीरियंसेस बनता है, मेरी इमोशंस बनता है, मेरी हैबिट्स बनता है, मेरी वैल्यूज बनता है। तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं, राइट। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे किसी भी हैबिट फॉर्मेशन में कहें, या कोई भी चीज, कोई भी डेटा जो मेरे मन में जा रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे कॉन्शियस माइंड का आता है। इसको ऐसे समझें जैसे कॉन्शियस माइंड आपके घर के एक ग्राउंड फ्लोर की तरह से है, जहां पर आप चलते फिरते हैं, रहते हैं। इसी तरह हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे डिसीजंस, ये सब 5% माइंड में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जैसे आप अपने घर के नीचे बेसमेंट में अपने वो सारी ऑब्जेक्ट्स को दबा देते हैं या रख देते हैं जो डेली इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसी तरह से हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे एक बड़ा सबकॉन्शियस माइंड है, जहां पर हम वो सारे विचार, वो सारे अनुभव, हमारा मन दबा देता है जो कि हमारे डेली इस्तेमाल में नहीं है, और वो इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज वहां पर स्टोर्ड हो जाती हैं, राइट। अब आप समझें कि अगर आपको अपने घर के बेसमेंट में जाना है तो क्या बेसमेंट में जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता हो सकता है? नहीं, हमें ग्राउंड फ्लोर से होकर ही जाना होगा। यानी एक गेट है, उस गेट से जब हम अंदर जाएंगे तभी हम ग्राउंड फ्लोर पर भी हो सकते हैं, और अगर बेसमेंट में भी जाना है मुझे किसी घर के, तो मुझे एक ही गेट से एंटर करके फिर मुझे नीचे की ओर जाना पड़ता है। यानी वो जो गेट है वो एक ही है, और जब तक वो गेट नहीं खोला जाएगा, जैसे मैं किसी जान पहचान वाले के घर में मैं जाता हूं और मैं घंटी बजाता हूं, तो गेट खोलने से पहले वो जो सज्जन जो उस घर में मेरे रहते हैं वो पहले देखेंगे कि क्या सही आदमी ने घंटी बजाई है, क्या सही आदमी घर में आने की परमिशन मांग रहा है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये इंसान सही है, तभी गेट खुलता है। और जब वो गेट खुलता है तभी आप फिर कॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं, और उसके बाद भी आप चाहें तो फिर उसके बेसमेंट में भी जा सकते हैं। इसी तरह से मेरा मन है, मेरा मन में जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत छोटा है, 5% है, लेकिन वही गेट है, वही सिक्योरिटी चेकर भी है। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तब तक वो गेट नहीं खोलेगा, यानी हमारी रिसेप्टिविटी नहीं होगी किसी भी विचार के प्रति, किसी भी सजेशन के प्रति, अगर मेरा मन लॉजिकली कन्विंस नहीं है, राइट। तो अब ये जो गेट है आप देखते हैं मकान के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है, इसी तरह से जो मेरा कॉन्शियस माइंड है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू माई सबकॉन्शियस माइंड, इट इज जस्ट 5%। और जो 95% जो नीचे का बड़ा, एक तरीके से बड़ा ट्राइंगल बच गया, या पूरा आइसबर्ग जो बच जाता है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, और वहां पर मेरी सारी मेमोरीज इकट्ठी होती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना होगा। कोई भी आता है मेरे घर में और मैं दरवाजा खोलने से पहले पहचानता हूं, क्या ये सज्जन जो है, जो इंसान आ रहे हैं मेरे घर में, क्या ये सही है, क्या मैं इनको जानता हूं, क्या मैं इनके सामने सेफ रहूंगा। इसी तरह से मेरा कॉन्शियस माइंड भी किसी भी सजेशन को, किसी भी आइडिया को रिसीव करने से पहले उसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थिंकिंग बहुत जरूरी है, या थिंकिंग सबसे पहले चाहिए किसी भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कोई आप आदत बनाना चाहते हैं तो जब तक आप लॉजिकली कन्विंस नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसको आदत नहीं बनाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप 10वीं मंजिल से कूद जाएं तो आप सफल हो जाएंगे, और मैं पूरे जोर से कहता हूं, क्या आप इस बात को मानेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई सेंस नजर नहीं आते, इट्स अ बेसिकली अ नॉनसेंस आइडिया कि 10वीं मंजिल से कूद के मैं कैसे सफल हो सकता हूं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे जरूरी क्या हो गया, मेरा कॉन्शियस माइंड। अब इसी भाव से अगर पकड़े भगवान कृष्ण को, भगवान गणेश को, तो हमने क्या कहा है कि गणेश को अग्र पूजा का अधिकार है। यानी किसी भी देवता की अगर आपको पूजा करनी है
तो सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं। ऐसा ही हमारा विधि विधान है, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा भी गया है, ऐसा ही कहा भी गया है। लेकिन जब तक हम इसके मनोवैज्ञानिक सत्य को नहीं पकड़ पाते हैं कि क्यों गणेश की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, तब तक आज का बच्चा कम से कम, जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल युग में हम जी रहे हैं, वो इस बात को मानेगा नहीं पहले तो कि गणेश की पूजा मुझे क्यों पहले करनी है। क्या गणेश जो है और देवी देवताओं से बड़े हैं, या वो छोटे हैं, या वो अलग हैं, या महान हैं, क्या उनमें कोई कंपैरिजंस है? नहीं, ये एक प्रोसेस की बात है। और एक कहानी के माध्यम से उस समय का जो इंसान था, जो कि भावनाओं के तल पे जीता था, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं था, जब ये रिचुअल्स, जब ये कहानियां बनाई गई थी, जैसे आज भी तो हम छोटे बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो आज भी तो हम उसको छोटी कहानियां के माध्यम से ही सिखाते हैं, इसी तरह से उन्होंने एक कहानी बनाई कि क्यों गणेश जी को सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया जाता है। क्योंकि गणेश रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्शियस माइंड को, और सबसे पहले मुझे अपने कॉन्शियस माइंड को ही सेटिस्फाई करना होगा। जब तक कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक हम कोई भी हैबिट, कोई भी विचार अपने सब कॉन्शियस माइंड में नहीं ले जा सकते हैं, राइट? तो पहला प्रतीक इसको समझें कि गणेश की जो पूजा कहते हैं उसको सबसे पहले क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे पहले कन्विंस करना है। और ये कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश की पूजा नहीं करते हैं और किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं पहले, तो फिर वो पूजा आपकी सफल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे माइंड में भी है कि अगर मेरा माइंड, कॉन्शियस माइंड मेरा अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, तब कोई भी चीज मेरे सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। अब इस चीज को समझें, जैसे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में मेरे पास हजारों क्लाइंट्स आते हैं, और चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में जो मैं देखता हूं उसकी सबसे बड़ी जो एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम, एक मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात को मान लें, लेकिन उनको वो लॉजिकली एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है। और आज का बच्चा, जब तक उसको कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलती है, तब तक वो पेरेंट्स की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पेरेंट्स फोर्स करते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं, क्योंकि ये पुराने जमाने से चीजें, परंपराएं चली आ रही हैं, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं इसलिए बात को मान लो। लेकिन हम एज पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उसका जो गणेश है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जब तक उसकी पहले पूजा नहीं करोगे, जब तक उसको लॉजिकली आप कन्विंस नहीं करोगे, तब तक किसी भी देवी देवता की पूजा करने से, यानी सब कॉन्शियस माइंड में डेटा डालने से, या उसकी हैबिट्स बनवाने की कोशिश करनी बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में देखें, मेरी बात को मत माने, अपनी लाइफ से देखें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके परिवार में जहां चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, क्या ऐसी ही दिक्कतें नहीं हैं? क्या बच्चा आपसे तर्क या रीजनिंग करता है और आप उसकी रीजन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आप उसको जबरदस्ती बोलते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं अनुभवी हूं, मेरे पास 50 साल का अनुभव है, अभी तुम 16 साल के, 17 साल के हो, लेकिन वो हमारे अनुभव को मानने को तैयार नहीं है। बच्चा क्यों मानने को तैयार नहीं? क्योंकि उसका गणेश अभी उसको पूजा नहीं गया है। तो जब तक उसके गणेश की पूजा नहीं करेंगे, जब तक उसके कॉन्शियस माइंड को आप लॉजिकली कन्विंस नहीं करेंगे, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी, राइट? अब और आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्शियस माइंड के बारे में अगर हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो गणेश का जो प्रतीक है, गणेश को हमने हाथी का सिर दिया, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन गणेश को हमने एक मोटा हैवी बनाया है, उनका पेट भी बड़ा है, उनका सिर भी हाथी का है, यानी एक वजनी बनाया है हमने उनको, और उनकी सवारी हमने चूहा दी है। चूहे के अलावा भी तो बहुत सारे जानवर थे, तो जिन्होंने प्रतीक बनाया वो चूहे के अलावा भी तो कोई प्रतीक बना सकते थे। वो गणेश को हाथी पर भी तो बिठा सकते थे, गणेश को घोड़े पर बिठा सकते थे, किसी ऐसे पर बिठाते जो कि लॉजिकली तो कम से कम ठीक लगता, क्योंकि एक हाथी को हम चूहे पर बिठा रहे हैं, ये लॉजिकली तो ठीक नहीं लगता है। और उस समय ऐसा नहीं था कि सवारियों की कमी थी और जानवरों की कमी थी, आप गणेश जी को घोड़े पर बिठा सकते थे, हाथी पर बिठा सकते थे, और किसी बड़े जानवर पर बिठा सकते थे। लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने चूहे पर बिठाया है, वो भी एक बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अब ऐसा मत सोचिए कि जिन्होंने कहानियां बनाई थी वो इतने समझदार नहीं थे कि उनकी समझ में ये नहीं आया था कि
कल को बच्चा मैच्योर होगा, बड़ा होगा, तो वो ये पूछेगा कि आपने हाथी को चूहे पर क्यों बिठाया है। ये वो भी जानते थे, वो बहुत मैच्योर लोग थे जिन्होंने कहानियां बनाई हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने चूहे पर बिठाया, उसके पीछे एक बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। चूहा करता क्या है आप देखिए, चूहा हर चीज को कुतरता है, हर चीज को काटता है। कोई और जानवर ऐसा नहीं है प्रकृति में जो उतना बारीकी से काटे जितना कि चूहा काटता है, राइट? आप अपने अनुभव से देखिए, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज को उतना बारीकी से काटता है या कुतरता है जितना कि चूहा बारीकी से काटता है और चूहा उसको कुतरता है। यानी कुतरना एक करेक्टरिस्टिक हमने दिखाई है गणेश की, कुतरना एक करेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर फैक्ट्स को बाल की खाल निकालता है, उसको काटता है, छांटता है, कुतरता है। और जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को काट कर, कुतर कर, उसकी बाल की खाल निकालकर, उसकी गहराई में जाकर जब तक नहीं देख लेता है, तब तक मेरा कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है। यानी अगर कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई करना है तो हमें अपॉर्चुनिटी पूरी देनी पड़ेगी अपने लॉजिक को इस्तेमाल करने की, उसको पूरा काटना छांटना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा, और तब जाकर अगर मुझे कोई बात लॉजिकली समझ में आती है, मैं कन्विंस हो जाता हूं, तभी वो विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए तैयार हो पाएगा। अब सोचिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है, या कोई भी दो आदमियों का रिलेशनशिप है, हम जब भी कोई बात बोलते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारी बात को मान ले, और दूसरा इंसान फिर हमारी बात को नहीं मानता है। आप देखें, इसीलिए ओशो की मुझे स्टेटमेंट याद आती है। ओशो कहते हैं, एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, वो है सलाह। क्यों सबसे कम सलाह ली जाती है और सबसे ज्यादा दी जाती है? सलाह देते समय हम बहुत ज्यादा अपने आप को ईगोइस्टिक मानते हैं कि मैं दूसरे से ज्यादा समझदार हूं, और फिर हम ये इच्छा भी करते हैं कि मैं कुछ सलाह दे रहा हूं तो दूसरा इंसान माने। लेकिन दूसरे इंसान का भी तो गणेश है, उसकी भी तो पूजा करनी जरूरी है। जब तक वो तर्क के रूप में उस आपकी जो सलाह आपने दी है उसको जब तक बिल्कुल कुतर नहीं लेगा, उसके बाल की खाल नहीं निकाल लेगा, जब तक लॉजिकली एनालाइज नहीं कर लेगा, तब तक वो आपकी बात को नहीं मानेगा। और अगर उसने उसको कुतरा, उसको उसने बारीकी से देखा परखा, और उसको लगा कि आपकी जो सलाह है वो उसके किसी काम की नहीं है, तो फिर वो आपकी बात को नहीं मानेगा। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में भी यही समस्या आती है। पेरेंट्स बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं पेरेंट्स, वो अपनी कंसर्न की वजह से बोलते हैं, अपने फियर की वजह से बोलते हैं, कहीं बच्चे को फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो कि करियर उसका खराब हो जाए या बच्चे की लाइफ में अनहैप्पीनेस रहे। इसलिए पेरेंट्स जो बोलते हैं वो अपने फियर से प्रभावित होकर बोलते हैं, अपनी कंसर्न है बच्चे के प्रति, प्रेम है, उसलिए बोलते हैं। लेकिन उन चीजों से बच्चे का गणेश पूजा नहीं जा रहा है, अभी बच्चे के मन में फियर नहीं है, यानी वो फियर की कैंची से अभी उस तर्क को नहीं देख पा रहा है, उसको नहीं काट पा रहा है। यानी कोई भी विचार, चाहे वो मेरे मन में जाएगा या दूसरे इंसान के मन में जाएगा, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है, काटने की, छांटने की, कुतरने की। क्यों मैंने भगवान गणेश के प्रतीक को मैंने लिया, क्योंकि जब मैं आजकल बात करता हूं लोगों से, और खास तौर पर जब टीनेजर्स मेरे पास आते हैं एज अ क्लाइंट, तो जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो एक तरीके से हंसते हैं जो भगवान गणेश का जो प्रतीक बना रखा है। क्यों? क्योंकि उनको ना तो उस पे लॉजिक लगाने की जगह दी गई, ना उनको उसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण दिए गए, और हम उसको जब ये पुश करने की कोशिश करते हैं कि दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो फिर आज का बच्चा, आज का इंटेलेक्चुअल आदमी उसको नहीं मानता है। तो जो दूसरा कारण, जो उन्होंने चूहे पर जो गणेश जी को बिठाया है, उसमें मेरा जो समझना है वो ये है कि जब तक हम एक चूहे की तरह से मेरा कॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को काट छांट नहीं देगा, कुतर नहीं देगा, लॉजिकली एनालाइज नहीं कर लेगा, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने की परमिशन नहीं देता है, राइट? तीसरी चीज अब समझते हैं कि हमने गणेश पैदा कैसे हुए हैं, उसके पीछे की एक कथा है कि माँ पार्वती
के शरीर से जो मैल निकला नहा के, उस मैल से उन्होंने एक पुतला बनाया और उन्होंने गणेश जी को बना दिया उन्होंने उससे। मैल क्या होता है, क्यों हमारे बुजुर्गों ने, उन लोगों ने मैल से इसका प्रतीक बनाया? वो शरीर के किसी और अंग से भी बना सकते थे, बाल से बना सकते थे, नाखून से बना सकते थे, क्यों मैल से बनाया? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मनोवैज्ञानिक कारण मुझे नजर आता है, मैल मतलब हमारे बॉडी में जो सबसे एक्सटर्नल चीज है, जो बाहर से आती है, वो मैल है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने चंदन का कुछ लेप लगाया, उस थोड़ी देर इंतजार करके फिर उस चंदन से बनाया, तो भी बात वही आती है, चंदन भी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है, यह बाहर से एक्यूमुलेट किया गया है, राइट? तो आप देखें कॉन्शियस माइंड में जो भी डेटा आता है वो मेरे अंदर से नहीं आता है, वो वही डेटा है जो बाहर से आता है, और जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो मैं डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहा हूं, बाहर से जो इंफॉर्मेशन आई है मैं उसी के बेसिस पे ले रहा हूं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कॉन्शियस माइंड में मेरा जो जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी मैं आंख से जो देखता हूं, जो मैं कानों से सुनता हूं, वो डेटा मेरे कॉन्शियस माइंड में जाता है, राइट? यानी वो सारा डेटा मेरे कॉन्शियस, यानी मेरे कॉन्शियस माइंड किससे बना है, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो किससे बना है, वो विचारों से बना है, और ये विचार कहां से आए हैं, ये मेरे पास आए हैं लेकिन बाहर से आए हैं, चाहे हम उसको मैल मान लें, धूल मान लें, चंदन मान लें, ये तो अब प्रतीक हैं, कोई भी हम उसमें प्रतीक दे सकते हैं। उन्होंने मन को, यानी गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए उन्होंने अपने बाल, अपने नाखून तक का भी जो प्रतीक है वो नहीं चुना है, क्योंकि चाहे वो कितने भी वेस्ट हैं हमारे बाल, हमारे नाखून, लेकिन फिर भी आते तो हमारे अंदर से ही हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर से आता है, वो सारा का सारा डेटा बाहर से ही आता है, उसी से ही मेरा कॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है, राइट? तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जो भी आप लॉजिक लगा रहे हैं या जिस तरह से आपका जो लॉजिकल माइंड बना है, इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है, और ये सब हमें संसार से, जो एक छोटा बच्चा है, अब वो अगर एक परिवार में जन्म लेता है तो उसके जो संस्कार हैं, चाहे वो उसके धर्म से आते हो, उसके परिवार से आते हो, उसके समाज से आते हो, वो अलग है। और दूसरा इंसान, अगर कोई बच्चा दूसरे घर में, दूसरे परिवार में, दूसरे धर्म में पैदा होता है, तो उसके संस्कार डिफरेंट हो जाते हैं, ये अंदर से तो नहीं आ रहे हैं। यानी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और उस बच्चे का जो सोचने का तरीका जो डेवलप होगा वो कैसा होगा, वही तो होगा जो उसने बचपन से देखा है अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलीजियस प्लेसेस में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, वहीं से तो वो सोचेगा। तो मैल भी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतीक है, ये समझाने के लिए कि उसमें अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ मत माने। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एज क्लाइंट्स, और वो मुझे कहते हैं कि हमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुने हैं, हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, कुरान पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाहर से आई है, अभी आपकी अपनी नहीं बनी है। और ओशो की मुझे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट याद आती है, शास्त्र जब तक शस्त्र ना बने तब तक किसी काम के नहीं है। शास्त्र मतलब जो बाहर से हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज, नॉलेज जो बाहर से आ रही है, नॉलेज को क्योंकि हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए आज के इंसान परेशान है, दुखी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज पढ़ ली, किसी को सुन लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कोई किताब विज्ञान की पढ़ ली, और हमें लगता है कि मुझे मैं बहुत कुछ जान गया हूं या सीख गया हूं। नहीं, आपका अभी कुछ नहीं बना है, अभी दूर मैल ही है, मिट्टी ही है, चंदन ही है, या जो भी आप उसको प्रतीक देना चाहें। तो
तो बहुत ज्यादा अपना मन मत माने जो आपके विचार हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि आपका सोचना बचपन से जैसा आप जिस माहौल में एक्सपोज हुए हैं उसी तरीके से आप सोचते हैं, तो इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है। इतना भर भी नहीं है कि हम उसको नाखून या बाल का भी प्रतीक दे पाए, राइट। और आगे बढ़ते हैं गणेश के प्रतीक पर। हमने देखा है, हमने कहा, एक कथा हमने कहीं सुनी है कि शिव जी ने अनजाने में या बिना पहचाने हुए कि ये गणेश उनका ही पुत्र है या पार्वती का पुत्र है, उसकी गर्दन काट दी। और उसके बाद जब पार्वती ने बताया और वो जो पूरा आलाप हुआ या दुख किया या जो उन्होंने फोर्स किया, तो भगवान शिव ने एक गर्दन मंगवाई और उनके जो गण थे वो जाकर एक हाथी, एक नवजात हाथी के बच्चे का सिर लेकर आते हैं और वो गणेश के सिर पर लगा देते हैं और वो जिंदा हो जाता है। तो फिर कई सवाल बच्चों के मन में आते हैं कि अगर शिव जी के पास वो पावर्स थी तो फिर उस बच्चे का ही सिर क्यों नहीं लगा दिया, क्यों उन्होंने गणेश को हाथी का सिर लगाया है, वो सिर तो बच्चे का पड़ा ही हुआ था वहां पर, उसी को लगा देते। क्योंकि अगर हाथी को मारकर उसका सिर काट कर लाकर लगाया जा सकता है तो फिर वो जो बच्चे का सिर जो नीचे गिर गया है वही उसका लगा देते, ओरिजिनलिटी भी रहती। तो अगर हम इसको हिस्टोरिकल प्रतीक मानेंगे तो बहुत सारे तर्क मेरे पास आते हैं, वो मेरा मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं ज्यादा, जस्ट एक हिंट आपको मैं देना चाह रहा था। तो अगर हम इनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स मानते हैं तो फिर आज का बच्चा जो है बहुत तरीके से इसका खंडन भी करता है। लेकिन मैं नहीं कहता कि वो जो लोग थे जिन्होंने गणेश के प्रतीक में हाथी का सर लगाया है वो नहीं जानते थे इस बात को कि वो ऐसी कहानी गढ़ देते कि सिर लग गया उन्होंने उसी बच्चे का लगा दिया। नहीं, उसके पीछे एक बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है, एक प्रतीक है क्यों हाथी का सर लगाया है। ये भी एक दूसरा तरीका है बताने का कि आपका अपना कुछ नहीं है, कॉन्शियस माइंड में आपका अपना कुछ नहीं है, ये सारे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, ये सारी फॉरेन इंफॉर्मेशन ही है जो हमें दूसरों से आई है। और जरूरी नहीं है कि हाथी का सिर जो है एक इंसान के ऊपर जब लगता है तो मैच करे। इसलिए बहुत बार जो हमारे अपने जो इमोशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसके जैसे ही हो जैसा कि हम बाहर से इंफॉर्मेशन लाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, कहां से जाना, ये बाहर से जाना, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी विजडम का पार्ट है गुस्सा, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना होना क्या है, वो ये कहता है कि घर में मां बाप की लड़ाई होती थी तो वो जीतता था जो गुस्सा करता था, टीचर की बात इसलिए माननी पड़ती थी क्योंकि टीचर गुस्सा करती थी, मूवी देखी तो हीरो कौन था, जो कि एंग्री यंग मैन है, जो गुस्सा करता था। यानी मेरा अपना शरीर क्या है, मेरा अपना मानना क्या है, मेरा अपना विचार क्या है, मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मेरी विजडम क्या है। मेरी विजडम यह है कि गुस्सा मुझे डोमिनेट करने में मदद करता है। लेकिन ये जो बाहर से हमने विचार ले लिया कि गुस्सा करना गलत है, अब ये उतना ही डिफरेंट लगता है मेरे अपनी पर्सनैलिटी से जितना कि एक इंसान, एक मनुष्य के शरीर के ऊपर हाथी का सिर एक डिफरेंट लगता है, राइट। हाथी का सिर बड़ा है, पेट बड़ा है गणेश जी का, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास समाई हुई है, यानी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास लेकर जाते हैं, राइट। सो ये जो बहुत सारे जो प्रतीक हैं, ये बेसिकली हमें कॉन्शियस माइंड की करेक्टरिस्टिक्स पर ही लेकर जाते हैं, समझाते हैं। तो अगर हम इसको क्विकली एक छोटा सा रिवीजन देना चाहें तो सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं माइंड के बारे में वो ये है कि जब तक मेरा कॉन्शियस माइंड किसी भी बात के लिए कन्विंस नहीं होगा तब तक वो मेरी विजडम का पार्ट नहीं बनने देगा, तब तक वो मेरी हैबिट्स का पार्ट नहीं बनने देगा। दूसरी चीज, ये तर्क करता है। ये तर्क करने का मतलब या डिसीजन लेने का मतलब क्या है? किसी भी बात को बारीकी से कुतरना, काटना, लॉजिकली उसको एनालाइज करना, राइट। और इसके बाद इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि आप जो सोच रहे हैं उसमें आपका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है,
आपका कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है कि आप जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, वहां से जो आपको एक विचारधारा मिली है, आप उसी विचारधारा पर सोच रहे हैं। आपकी सोच उतनी ही एक्सटर्नल है जैसे कि शरीर का मैल, राइट। और इसके बाद बहुत बार हम ऐसी चीजों को सुनकर अपने आप को नॉलेजेबल मान लेते हैं जो कि मेरी विजडम का पार्ट नहीं होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है बाहर से कि अगर मैं एक टाइम पर सोकर उठता हूं और डेली एक्सरसाइज करता हूं तो हेल्दी रहता हूं, लेकिन मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो विजडम है, वो क्या है कि मैं सबसे पहले अलार्म ऑफ कर देता हूं और एक्सरसाइज नहीं करता हूं। यानी मेरा जो शरीर है वो कहीं भी मेरे सिर से तालमेल नहीं कर रहा है। मेरी भावनाएं, मेरे अनुभव, मेरी विजडम, मेरी प्रज्ञा कहीं भी मेरी नॉलेज, मेरी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से तालमेल नहीं है। इसीलिए वही, जैसे कि एक शरीर इंसान का और सिर हाथी का, राइट। तो इन सब चीजों का अगर हम ख्याल करते हैं और इनको हम अपनी इच्छाओं पर लगाते हैं, तब जाकर हमारी इच्छाएं तैयार होती हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। तो लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में का जो दूसरा रूल है वो है कि कैसे मैं अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाऊं, और जब मैं उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाता हूं तब वो मेरी जुनून बनती है। इसी वीडियो सीरीज में आगे हम लोग अभी मन को समझने के लिए और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, कैसे हम वो संकल्प बनाएं, कैसे हम फिल्टर्स करें उन चीजों को, अपनी इच्छाओं को, ताकि हम उनको बहुत आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएं। और फिर सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने की क्या टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये वीडियो, समझ में आता है, तो एक छोटा सा कमेंट तो मुझे मोटिवेट करेगा कि यस, जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं वो आपकी समझ में आता है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मुझे कॉल करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, वेबसाइट पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अवेलेबल है। कॉन्कर द सक्सेस में हमने हजारों लोगों को ट्रीट किया है और हम लोग एक उनको एक जर्नी पर ले जाते हैं कैसे इंसान लाइफ की चारों डायमेंशंस का बैलेंस बना सके, वो सक्सेसफुल भी हो, हेल्दी भी हो, रिलेशंस भी अच्छे हो, और वो आनंदित भी हो, खुश भी हो। कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग सिर्फ एक ही बात की गारंटी करते हैं, कुछ भी हो जाए आप लाइफ में दुखी नहीं हो सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके के दुख हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो रिलेशंस की वजह से, हेल्थ की वजह से, करियर की वजह से, या किसी पास्ट की वजह से, कोई भी अगर रीजन है जो आपको दुखी कर रहा है, आपका स्वागत है। आप मेरे पास आ सकते हैं और अपना काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जिस चीज की भी जरूरत होगी, उन सब के कॉम्बिनेशन से आपको एक सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।